फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। वेलकम टू एंजॉय स्टडी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3। अगर आपने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो को देखा होगा तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर में कहता है गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपको एक पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आप कौन सी स्टेटमेंट उसके अंदर अप्लाई करी है, कौन सी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करी है, साथ में वो भी आपको बताना है। तो अगर आपने 3.1 और 3.2 आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो आप ये बहुत ईजिली कर सकते हो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको पता लग गया होगा। जैसे कि आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि AD इक्वल टू। अब देखो ये जो AD है पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये जो AD है वो किसके इक्वल होगा, BC के। तो AD इक्वल टू BC, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। ये आप लोग जानते ही हो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऐसी जो DCB होगा तो AD इक्वल टू BC फर्स्ट हो गया। अब देखो ये DCB, ये वाला है DCB, ये आपका इसके इक्वल होगा DAB के, इस DAB के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए आपका जो DCB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DAB के। तो क्लियर है। तो इसी के बेस पे आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स, जैसे कि OC है, अब आपको दिख रहा है ये OC किसके इक्वल होगा, OK। क्यों? पैरेललोग्राम बाइसेक्ट की चीज़, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे ही अब आपका ये फोर्थ है कि MDAB यानी कि DAB ये वाला एंगल CDA इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर? इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कैसे होता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप जानते हो कि जब एक लाइन पे, मतलब ऐसी कोई लाइन चढ़ी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल ही एडजेसेंट एंगल होते हैं जब एक ही साइड पे दोनों एंगल बन रहे हो। तो उन एंगल्स का जो सम होता है वो कहते हैं सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आई होप अभी क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स XYZ। आपको ये सारे पैरेललोग्राम दे रखे हैं, क्लियर? उसमें से जो एंगल है XYZ ये आपको फाइंड करना, जैसे आपको सारे दिख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर ही चुके हो। तो इसमें आपको एक चीज़ बताई गई है कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 30 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। नॉट फॉर गेटिंग करेक्ट आंसर रीड 3 डिग्री इन द फिगर। ये 3 डिग्री नहीं 30 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप जानते हैं, जैसे हमने सीखा कि जो एडजेसेंट साइड पे जब एंगल बनते हैं, जैसे कि एक्स और बी बन रहा है, तो उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये भी हमने ऊपर सीखा कि ऐसे कोई फिगर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये भी हमने ऊपर सीखा था कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये बी और ये सी को प्लस करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो आपको बी पता है, सी निकालना है, तो 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री। क्लियर? एक्स 80 डिग्री पर, अभी आपने ये भी सीखा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक्स 80 डिग्री है तो जेड भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये भी आप क्लियर हो गया होगा क्योंकि ऊपर ही सीखा है। जब वो 80 डिग्री हो गया तो सिमिलर देखियो, ये आपका फिर वही बन गया, एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। ये मिल गया 80, तो इसे 180 में से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। क्लियर है? तो बस उसी जो अपना ऊपर अपनी प्रॉपर्टी सीखी उसी के बेस पे आप इनको इजीली कर सकते हो। जैसे इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, ताकि आप इसके इजीली पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट यूज कर सको। जैसे हम उसी क्वेश्चन नंबर 2 का एक फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, बाकी फर्स्ट पार्ट देख लिया, उसी के बेस पे आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर सकते हो। और एक हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ये आपको फिगर गिवन था, देखो 40 डिग्री जेड, 112 डिग्री एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है कितना, 40 डिग्री,
क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है 40YZ, और आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब उसको करने से पहले एक बात ध्यान देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों? अभी हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों अपोजिट है। अगर ये 112 है तो वाई भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें ये एक ट्रायंगल मिल गया, देखो वाई 40 डिग्री, वाई प्लस एक्स करेंगे तो 180 डिग्री। एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्रायंगल, हमें 40 डिग्री पता है, वाई हमें यहाँ से मिल गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो एक्स आप निकाल दोगे, एक्स को आपने सॉल्व किया तो कितना मिल गया, 128 डिग्री। क्लियर। जब आप एक्स सॉल्व करोगे 40YX को, तो 40 और वाई की वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करने पर एक्स मिलेगा 28। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम वही प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब अपोजिट एंगल होता तो ये पूरा होता, अपोजिट एंगल होता तो ये वाला पूरा होता, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब कि अल्टरनेट एंगल होता है कि ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, आमने सामने अल्टरनेट एंगल, तो वहीं से आपको एक्स भी मिल गया, तो जेड एक्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। मतलब आपको ये तीन स्टेटमेंट दे रखे, मतलब ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखे है, तो आपको बताना है कि ये तीनों क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होंगे या नहीं, ठीक है। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ़, आपको कंडीशन दे रखी है कि इन स्टेटमेंट्स के थ्रू ही आपको बताना है क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। जैसे एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, देखो जो ये एंगल डी है और ये एंगल बी है, तो जब इनका सम 180 डिग्री होगा तो क्या पैरेललोग्राम होंगे। अभी आपने पढ़ा कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि ये वाली साइड इक्वल होगी या एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 80 है तो भी ये 80 होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा ये नहीं होता। क्लियर है। अगर ये यहाँ पे एंगल कहता है कि AOD का 180 डिग्री होगा तो आप ट्रू कहते हैं, तो एंगल डी प्लस बी हमारा क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारा इसका सम 180 डिग्री नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बट हेयर इट नीड्स नॉट टू बी, तो हमें डी प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं होगा, तो ABCD हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल जो है ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। वैसे सेकंड में कहता है AB आपको दे रखा है, DC दे रखा है, AD दे रखा है, BC दे रखा है, जो AB 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के लिए क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल, और दोनों मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो आपका पैरेललोग्राम नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखो जो AB है वो DC के इक्वल है 8 सेंटीमीटर, बट जो AD है वो BC के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो नो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ये भी हमारा नहीं होगा। क्यों? इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो कहने के बाद वही है कि इसकी एक साइड तो इक्वल है आमने सामने की, बट ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्लियर। वैसे देखो थर्ड में कहता है एंगल ए 70 डिग्री और सी 65 डिग्री। क्या कहता है, एंगल ए आपका 70 डिग्री और सी 65 डिग्री, तो देखो क्या इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भी आपने पढ़ा कि अपोजिट एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो हमारा एंगल से भी कितना होना चाहिए था, 70 डिग्री, जबकि वो कितना है, 65 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल नहीं है, तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ABCD ये वाला भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम नॉट इक्वल, क्योंकि हमारी अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल डेट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आपको एक ऐसा फिगर ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम तो नहीं है, नॉट अ पैरेललोग्राम, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट, लेकिन उसके अपोजिट एंगल क्या हो, इक्वल हो, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए लेकिन उसका अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपको रफ डायग्राम बनाना है। तो दिया आपने डायग्राम बनाया ABCD से क्वाड्रिलेटरल, देखो अपोजिट एंगल, देखो ये साइड जो है ये साइड इक्वल है लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं हुआ।
लेकिन इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल करनी है, देखो ए एंगल्स इक्वल करने, तो 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री, तो ऐसा फिगर आपका बेसिकली कौन सा बन सकता है, काइट का बन सकता है। कौन सा? काइट का, कि ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, इसकी साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, इजी सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें कहता है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, मतलब आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी एडजेसेंट एंगल्स है। मैंने भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला एक ही साइड पे बने हुए दो एंगल को कहते हैं एडजेसेंट, और आमने सामने को कहते हैं अपोजिट। तो इन मान लो इन एंगल का कोई रेशियो दे रखा है 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको इस पैरेललोग्राम का कितने कितने डिग्री का एंगल होंगे आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं हमारे, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होते हैं। तो वही हमने टू एडजेसेंट एंगल रेशियो दे रखा 3:2, हमने उसी एंगल को लेट कर लिया क्या एक्स, तो क्या हो गया 3x एंड 2x। देखो हमने वही एडजेसेंट एंगल इन्होंने यहाँ ले लिया, तो ये भी एडजेसेंट एंगल ही है क्योंकि एक ही साइड पे बने हुए हैं। तो क्या होता है, सिंस द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होते हैं, आप प्रॉपर्टी आप ऊपर पढ़ते ही यार फर्स्ट क्वेश्चन से ही, तो 3x + 2x कितना होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री है दो, तो कितना हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री। क्लियर, x मिल गया 36, आपको ये दोनों एंगल बताने, तो 3x यानी 3 × 36 108 डिग्री, 2x × 36 72 डिग्री, दोनों एंगल का सम भी कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है, तो आपको दोनों एंगल भी मिल गए, और उसके बस आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप कर सकते हो। अपोजिट एंगल बोलता तो आप जानते हो जितना ही है उतना ही है, एडजेसेंट बोल दिया तो इनका सम 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आप हैव इक्वल मेजर। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि आपका एक पैरेललोग्राम है, या आपका कि आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मान लो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, तो कहते हैं इसका जो एंगल्स है एडजेसेंट एंगल ही बोला है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है आपका, आप ये भी ले सकते हो एडजेसेंट एंगल, आप कोई भी ले सकते हो, मतलब एक ही साइड पे बने हुए एंगल इक्वल मेजर के है, तो आपको ये भी नहीं पता कितना, ये भी नहीं पता कितना, पर यह पता कि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको ये पैरेललोग्राम के दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपको रेशियो गिवन था, यहाँ कुछ इक्वल गिवन है, तो आप जानते हो कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सीन द एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री, तो इसको भी एक्स लेट कर लो, इसको भी एक्स कर लो, पीछे रेशियो गिवन था तो 3x और 2x ले लिया था, अब यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं तो दोनों एंगल को एक्स एक्स लेट कर लिया, तो सम सप्लीमेंट्री तो कितना होगा 180 डिग्री, तो x + x 180 डिग्री, कितना हो गया 2x = 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी मिल गई 90 डिग्री। क्लियर, क्लियर है, तो ये भी आपका अंकल कितना मिल गया 90 डिग्री, ये भी आपको कितना मिल गया 90 डिग्री। अब कहते हैं हैंस ईच एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री, अब आप ये भी जानते हो कि हर एक एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री का होता है, कि ये भी 90, ये भी 90, तभी तो 180 डिग्री होगा। क्लियर है, तो ईच एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री, x + x + x, मतलब कि ये वाला आपको मिल गया कितना 90 डिग्री, तो ये तीनों एंगल भी x x x होंगे। क्लियर, मतलब कि ये एंगल भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो वहीं से आपको ये x मिल जाएगा, पैरेललोग्राम के रिमेनिंग एंगल मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, ये तीनों 90-90 भी हो सकते हैं और 60-60 भी हो सकते हैं। जैसे कि जब आप इसको यूँ डिवाइड कर दोगे, मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, आपने इसे यूँ डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा x x x, तो ये एक ट्राइंगल हो गया, जब ये एक ट्राइंगल हो जाएगा तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा, और जब आप ऐसी एक पैरेललोग्राम लोगे तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा, मतलब इसके दोनों आंसर क्या है पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप लोग जानते हो इस एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चन है, तो वन वीडियो के अंदर वो कवर करना मुश्किल है, और 1-6 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए क्योंकि ताकि आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार में करा दूंगा तो वो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो क्लियर नहीं होंगे, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन 1-6 और क्वेश्चन 7-12। तो क्वेश्चन 1-6 हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछना। और अब हम क्वेश्चन 7-12 हम आपके उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपके कवर करेंगे क्वेश्चन 7-12। तो सो आई होप आपको ये
एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 क्लियर होंगे। सो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।